के मिश्रा, केमिस्ट्री, क्लास 12। वी डिस्कस्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। सेवरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज। टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस फॉर एमीन्स। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। थैलामाइड, थैलिक और थैलिक एसिड बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ थैलिक एसिड हो गया। थैलिक एसिड, इसको अमोनिया के साथ जब ट्रीटमेंट कराया जाता है तो यहाँ से H2O बन करके निकल गया, 2H2O, और यहाँ बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। थैलामाइड बन गया, और थैलामाइड अनस्टेबल होने के कारण इसको थोड़ा सा हीट करने पर एक अमोनिया इसमें से निकल जाता है और बना लेता है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से एन और एच बन गया। यहाँ से H निकल गया, NH3 बन करके निकल गया और यहाँ NH बन गया। यही कंपाउंड है थैलमिड। यहीं से हमको सिंथेसिस करनी है, यही मेरा रॉ मटेरियल है। बट ये रॉ मटेरियल आया कहाँ से, थैलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर किया गया। कन्वर्जन में आपसे पूछा जा सकता है कि थैलिक एसिड से थैलामिड कैसे बना। तो थैलामाइड से अब हमको गैब्रियल ने इसका सिंथेसिस करना शुरू किया। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ कराने पर यहाँ से NK बन जाता है और H2O निकल जाता है। KOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बन गया जी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, NK, पोटेशियम सब्स्टिट्यूटेड थैलामिड। पोटेशियम थैलामिड, अब इसको जो है एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। एल्काइल हैलाइड के साथ इस पोटेशियम थैलामिड को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करने पर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, NR बन गया। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलामिड, इसका हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, KOH के साथ, NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ से
आर एन एच टू, वन डिग्री एमीन बन जाता है, प्लस देखिए यहाँ आर एन एच टू, यहीं से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से एच आ गया और ओ के, फिर बनेगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ के या एन ए, ओके यानी यह फिर से रिसाइकिल हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर थैलिक एसिड बन जाता है और थैलिक एसिड से हम लोग थैलाइमिड बनाते रहते हैं। इस प्रकार से इसका सिंथेसिस किया जाता है, जिसमें हमको रॉ मटेरियल एक बार लेने के बाद बदलना, मतलब उसको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ इसके सिंथेसिस करने से हमें प्राइमरी एमीन मिल जाता है। इस प्रकार से आपके प्रिपरेटरी मेथड जो है वह समाप्त हुआ। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ से कर सकते हैं, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम पोटेशियम थाइलेट, पोटेशियम थैलेट, वी ऑप्टेंड थैलिक एसिड एंड अगेन रिसाइकिल्ड इन सिंथेसिस। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ प्रिपेयर इथेना मीन, हाउ प्रिपेयर इथेना मीन बाई हॉफ मैन ब्रोमा माइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। गिव इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। दूसरा है, प्रोपेना मीन फ्रॉम हेलोएल्केन, प्रोपेनामीन फ्रॉम हेलो एल्केन। तीसरा है, एनिलीन फ्रॉम बेंजीनामाइड। चौथा है, इथेन नाइट्राइल टू प्रोपेनामीन। पांचवा है, नाइट्रो ब्यूटेन टू ब्यूटेनामीन। छठा में,
वीटेक है, इथाइल ब्रोमाइड इन गैब्रियल थैलमिड सिंथेसिस विच एमीन विल प्रिपेयर गिव इक्वेशन। सातवां, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथेनामीन बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन राइट नेम ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो गिव इक्वेशन। इस पर आधारित इन सारे प्रश्नों को आपको बना लेना है।